हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। DSSSB की तरफ से आप सभी लोगों के लिए नया रिक्रूटमेंट है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आप सभी लोगों के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की पोजीशन है, मैनेजर की पोजीशन है और असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, शिफ्ट इंचार्ज, प्रोटेक्शन ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसीज हैं आप सभी लोगों के लिए। टोटल वैकेंसीज 158 हैं टोटल, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए अच्छा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एक दो वैकेंसीज हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है और टोटल 158 वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। देखो BE BTech हो आपके पास तो आप एलिजिबल हो इसमें। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इन तीनों ब्रांचेज में अगर किसी एक में आपके पास बीटेक है, BE BTech, तो आप इसमें एलिजिबल हो। एक दो वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें डिप्लोमा मांगा है, मोस्टली वैसे बीटेक वालों के लिए ही हैं। कुछ विदाउट बीटेक वाले मतलब जो एनी ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। वैसे ऑल एंड ऑल आपकी वैकेंसीज अच्छी हैं, बीटेक वाले फ्रेशर जो हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होने वाला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे, ठीक है। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं, सीधे आपको दिखाता हूँ मैं नोटिफिकेशन कहाँ है। जैसे आप अब यहाँ देख सकते हो, ये एक ऑफिशियल साइट है DSSSB की, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उसकी ऑफिशियल साइट है। जैसे आप इसमें नीचे आओगे तो आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ मिलेगा। देखो लेटेस्ट अपडेट के बाद में व्हाट्स न्यू जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू, तो इस व्हाट्स न्यू में यहाँ पे आपका वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 06/22 लिखा हुआ है, तो इसी के अंदर आपका रिक्रूटमेंट छुपा हुआ है। इसी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस खुलने को मिलेगा आपको। देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको देखो नीचे आओ आप और देखो, तो यहाँ पे एक व्यू एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है ये वाला, तो इस एडवर्टीजमेंट पे डाउनलोड कर लेना, क्लिक कर लेना। उसके बाद में जैसे आपको तो पता ही होगा इसमें कैसे अप्लाई करना है DSSSB में। दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, OARS करके इनका एक पोर्टल है, वो सब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां जाके आप अप्लाई कर देना। और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो आपका ये नोटिफिकेशन है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ क्या प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। चलो वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका एडवर्टीजमेंट जो आउट हुआ है आपका। देखो 11 तारीख को आपका ये ऑफिशियल अपडेट आई थी, उसके बाद में मैं आपसे हुई लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों ये जो आपके फॉर्म है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये फॉर्म आपके 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट इसकी 9 मई होने वाली है, तो 9 मई से पहले ज़रूर से फॉर्म फिल कर देना। और देखो जितने भी दिल्ली के आपके फॉर्म रहते हैं वो 100 रुपये की फ़ीस रहती है, SC ST और फीमेल्स के लिए फ्री रहते हैं, और वो भी SC ST और जो फीमेल हैं वो दिल्ली के होनी चाहिए, फीमेल तो ऑल ओवर इंडिया से भी फ्री हैं, तो ये सब कुछ इसमें हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया देखो अप्लाई कर सकता है, पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हो भाई साहब ये दिल्ली के फॉर्म है तो दिल्ली के वाले ही भर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो 9 मई तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले जरूर फॉर्म फिल कर देना। देखो ये वेरियस डिपार्टमेंट में टोटल 158 वैकेंसीज हैं आपकी, दिल्ली आर्चीव्स, दिल्ली टेक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो वेरियस डिपार्टमेंट में आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। ग्रेड पे भी इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, कोई 2800 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे है, और देखो इसमें मैकेनिक इलेक्ट्रिक करके 68 वैकेंसीज हैं टोटल वैकेंसीज, ऐसे करके इन्होंने मेंशन कर रखी है। चलो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ जो भी इसमें एलिजिबल। तो जैसे आप नीचे आओगे तो सबसे पहले पोस्ट कोड नंबर, देखो यहां पे पोस्ट कोड नंबर भी दे रखे हैं, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, ध्यान से देखना। जैसे ये वाले जो है ये पोस्ट कोड नंबर है /3/4/5, तो मैं नीचे आपको दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। देखो भाई साहब पहले असिस्टेंट आर्चिविस्ट के ग्रेड 1 पे आपकी जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनमें देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं, और इसमें डिप्लोमा कर रखा है NA से, नेशनल आर्चिव से, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब देखो मैं VTech वाली वैकेंसीज दिखाता हूँ। मैनेजर सिविल की वैकेंसीज है, पोस्ट कोड इसका 2022 है, और यहाँ पे देखो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आपको, BTech होनी चाहिए, एक वैकेंसी है इसमें, ग्रेड पे आपका होना चाहिए ये, और 18 से लेके 35 एज लिमिट है सारी वैकेंसीज में। और देखो फिर उसके नीचे आओगे शिफ्ट इंचार्ज, ये DTC में दिल्ली जल बोर्ड में निकली हुई है वैकेंसीज, इसमें आपके पास में ITI की डिग्री होनी चाहिए। फिर मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसीज है, इसमें 24 वैकेंसीज हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, BTech की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, अनरिजर्व्ड में, ये सब कुछ देख लेना आपका जो भी इसमें एलिजिबल हो। और देखो मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए,
चाहिए और कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 18 से लेकर 35 ईयर्स तक आपकी इसमें एज होने वाली है। फिर उसके बाद में मैनेजर ट्रैफिक में आओगे तो इसमें पीजी डिग्री चाहिए। कोई भी आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, यानी कि एमई एमटेक होगी तो भी आप एलिजिबल हो, बीएससी के बाद में एमएससी होगी तो भी आप एलिजिबल हो, एमबीए होगी फिर भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें आपकी 13 वैकेंसीज हैं, डीटीसी में निकली हुई हैं आपकी ये वैकेंसीज। फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, इसमें देखो आपके पास सोशियोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। ऐसी करके बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपकी। डिप्टी मैनेजर की हैं ट्रैफिक में, इसमें आपके पास में डिग्री होनी चाहिए कि या के वीटेक भी चल जाएगी इसमें। फिर उसके बाद में नीचे आओगे तो आपका फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास इलेक्ट्रिक ड्राइवर वगैरह, इसमें वैकेंसीज हैं। आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, उसके बाद में आईटी की हैं एमएससी एमसीए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से आईटी से तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी ही हैं। सुपरवाइजर की हैं, डिग्री होनी चाहिए साइंस में, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। तो ऐसी करके बहुत सारी वैकेंसीज हैं, देख लेना आप इसमें से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, और देखो जो इसकी लास्ट डेट है वो 9th of May है, ठीक है। और फाइनल ईयर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होता है, पहले बता चुका हूँ मैं। DSSSB जितने भी फॉर्म आते हैं उसमें अपीयरिंग स्टूडेंट जिनके पास में अभी अपनी डिग्री नहीं आई है वो इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। केवल वही एलिजिबल होते हैं जिसके पास में अपनी डिग्री है, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ। और देखो अभी इन्होंने पेपर का कभी कुछ नहीं बता रखा कब होगा, बस इन्होंने एक पैटर्न दे रखा है कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो दो टीयर होने वाले हैं, टेक्निकल वन और टीयर जो है वो 200 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस वगैरह और सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ आएंगे। देखो एक बार देख जरूर लेना, मैं इतना सब कुछ बताऊंगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं केवल आपकी नज़र में डालता हूँ कि एक पेपर भी आपके लिए। और दूसरा टीयर है, इसमें भी आपके टेक्निकल राउंड होगा, इसमें 300 नंबर के होगा और इसमें भी जनरल अवेयरनेस वगैरह करके आएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। देखो पहला वाला 200 का है, दूसरा वाला 300 का है, तो ऐसे करके हो जाएगा 2 घंटे का पहला, दूसरा का तीन घंटे का। और जो नॉन टेक की वैकेंसीज हैं उसमें अलग तरीके से ये है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह इंग्लिश वगैरह आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लेना। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। चौथाई का पार्ट का आपका नंबर काट लिया जाएगा, एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है आपका, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और देखो मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी में तो 35% मार्क्स चाहिए, एससी एसटी में हो तो आप 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। इसका मतलब कतई भी ये मत मान के चलना आप कि आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आपकी मेरिट लगती है, आप सभी लोगों को पता ही होगा उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। और देखो लास्ट डेट मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको 9 मई है, तो 9 मई से पहले ही जमा करना है आपको। और देखो इसमें इन्होंने अभी परसेंटेज का ऊपर जो मैं क्राइटेरिया देख के बता देता हूँ आपको, देखो इज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा आपको। टोटल जनरल वालों के लिए 18 से लेकर 35 का होना चाहिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिजर्वेशन मतलब जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा, एससी एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। और देखो यहाँ पे और भी कोई अगर डाउट हो तो आप भाई साहब मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वैसे मैंने हर कुछ आपका प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एक बार देखो मैं परसेंटेज देख के और बता देता हूँ कि कितने परसेंटेज चाहिए आपको जब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। देखो इन्होंने ऐसा कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर नहीं रखा है कि आपको डिग्री के दौरान कितने परसेंटेज चाहिए, देखो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, मैंने एक बार तो देख लिया है। चलो देखो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए बीटेक के दौरान, यानी कि आपके पास में अगर सेकंड डिवीजन से प्लस हो यानी कि 45 और 50% से अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। यानी हर एक में आपका जो होता है वो 60% प्लस ही होता है, पर मैं इसमें मान के चल रहा हूँ शायद 50% होगा, अगर कहीं मेंशन हो तो आप बताना मेरे को, मेरे हिसाब से मैंने कहीं भी देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यही आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, एक भी डाउट हो, छोटू से छोटू बड़ू से बड़ू, तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाके, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, वहां जाके भी पूछ सकते हो। दोस्तों यार इस चैनल को आगे बढ़वाओ, अपने दोस्तों के साथ में इसको चैनल को शेयर किया करो, जिससे कि आपके पास और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सके। वैसे तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी और अगली ऑथेंटिक और प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो, हर अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।